सो गाइस, ये जो बच्चा है ये सिर्फ 3 दिन का बच्चा है, देख सकते हो बहुत ही छोटा बच्चा है, देख सकते सब चला गया और एक भी नहीं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो फीमेल है वो एक लेकर रहा है। गाइस, आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कैसे एंजल का जो बेबी है उनके लिए एक परफेक्ट आउटडोर सेटअप बना सकते हैं हम लोग, और वहाँ पे कुछ फिल्टर नहीं होगा, कुछ हीटर नहीं होगा एंड ऑक्सीजन पंप भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ लाइव प्लांट से हम लोग बनाएंगे एक परफेक्ट एंजल फिश के लिए सेटअप, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे जो फीमेल है वो एक ले कर रहा है और जो मेल है उसको एक को फर्टाइल कर रहा है। सो गाइस, अंडा देने के करीब 3 दिन बाद इस अंडे से बच्चा निकल आया था, तो आप लोगों के लिए मैं उस वाला वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज मैं इनके लिए परफेक्ट सेटअप का वीडियो बनाऊंगा कि कैसे बेबी के लिए सेटअप बनाना पड़ता है। तो आप लोग करीब 3 दिन बाद अंडा हैच होने के बाद आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ कि अंडे को जो बच्चा था उनको मैं सेपरेट कर लिया था एक बॉक्स में। तो आप लोग अभी देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को छोटा छोटा, अच्छे से फोकस नहीं हो रहा है, एक सेकंड, हाँ आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे जो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ये सब एंजल का बेबी है। आप लोग देखिए, ये लोग थोड़ा सा हिल रहा है लेकिन पूरा नीचे गिरा हुआ है, और ये वाला बॉक्स में मैं इनको रखा था। तो आप लोग अभी देखिए, सिर्फ इन लोगों का आग दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो 5वां दिन है आप लोग देखिए, ये वाला है 5वां दिन, और यहाँ पे जो बेबी से ये लोग बहुत अच्छा साइज़ का हो गया है, और देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हिल रहा है और स्विम भी कर रहा है कभी कभी। तो ये तो अभी झुंड में एक साथ रहते हैं एक साइड में, अभी इनको और 2 दिन जाने के बाद ये लोग फ्री स्विम करना स्टार्ट कर देगा। तो आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा कि जब फ्री स्विम करता है तो इन लोगों को दिखने में कैसा लगता है। तो चलिए अभी 7वां दिन पे हम लोग जाते हैं। गाइस, फाइनली मैं छत पे आ गया हूँ, तो आप लोग अभी दिखाता हूँ, आप लोग देखिए एंजल का बेबी को, ये देख सकते हैं गाइस पूरा भरा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे को जो लग रहा है 100 पीस तो हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पे एक ही पीस मेरे को मरा हुआ दिखा, ये देखिए छोटा सा दिखाई दे रहा है आप लोग, ये देखिए सिर्फ एक ही बच्चा मरा है और सभी जिंदा है। तो मैं इन लोगों को अभी यहाँ पे नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पे अभी इनको फीडिंग देना पड़ेगा। मैं कल दिया था एक का योग बहुत ही कम अमाउंट में, क्योंकि ज़्यादा दूंगा तो अमोनिया ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चा मर जाएगा, तो इसके वजह से यहाँ पे मैं नहीं रखूँगा आज। आज मैं इनको शिफ्ट करूँगा वो वाला बॉक्स में जिसको मैं रेडी कर रहा हूँ अभी, आप लोग दिखाता हूँ। देखिए ऑलरेडी मैं इसको पानी जो था सब निकाल दिया हुआ, यहाँ पे कुछ भी पानी नहीं है, और देखिए एल्गी कितना है, ये एल्गी खा के ये जो एंजल के बेबी से वो लोग ग्रो होगा। तो इसके वजह से मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, और नीचे स्टोन देना ज़रूरी है, इसके वजह से मैं देखिए स्टोन को भी वॉश करके रखा हूँ पूरा, सिर्फ दे दूँगा देख सकते हैं। तो स्टोन भी मैं देखिए आप लोग, स्टोन को भी वॉश नहीं किया हुआ अच्छे से, एल्गी है यहाँ पे, तो इस एल्गी को ये लोग खाएगा और इन लोगों का ग्रोथ अच्छे से हो जाएगा। तो इसके वजह से मैं ऐसे ही रखा हूँ। तो अभी जो काम है मेरा सिर्फ ये जो वेनिस लड़िया है इसको सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, और पानी देना पड़ेगा। तो पहले पानी दे देता हूँ, उसके बाद प्लेट लगाऊंगा, उसके बाद फिशेज भी छोड़ूंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखते रहे फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, तो आप लोग पूरा देखिए। पूरा नया पानी है, और तो फिर मैं एक बाल्टी नया पानी यूज़ करूँगा, और उसी के साथ साथ जो पुराना बाल्टी है मेरे एक्वेरियम पे जो पानी है उस वहाँ का एक मतलब एक टब पानी यूज़ करूँगा। तो 50% नया पानी है, पूरा पानी यूज़ करूँगा। तो गैस चलिए इसको मैं दे देता हूँ टैंक में। सो गैस, पानी तो मैं दे दिया हूँ यहाँ पे, देखिए आप लोग एक टब दे दिया हूँ। अभी जो काम करना है आप लोगों को, ग्रीन वाटर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस टैंक में पूरा ग्रीन वाटर है। तो यह से मैं ये जो चीज़ है इसे पूरा भर लूँगा ग्रीन वाटर से, और ये ग्रीन वाटर भी मैं दे दूँगा वहाँ पे, देख सकते हैं पूरा ग्रीन वाटर है। तो इसको मैं दे दूँगा क्योंकि ग्रीन वाटर में एल्गी है, तो ये एल्गी वो लोग खा लेगा, तो मेरे को खाना देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास लाइफ फूड नहीं है गाइस। तो इसके वजह से मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। और देखिए यह हमें ग्रीन हो गया, तो मिक्स कर दूँगा अच्छे से इसको, थोड़ा सा ग्रीन हो जाएगा वाटर तो इनको थोड़ा सा फूड मिल जाएगा, ठीक है। और भी थोड़ा पानी दे दूंगा, इतना तक दे दूंगा, करीब 6 इंच तक, ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि बच्चे बहुत ही छोटा है तो ये लोग ऊपर तक नहीं आ पाएगा सांस लेने के लिए, तो हाइट बहुत ही कम दूंगा मैं। यहाँ पे देख सकते हो स्नेल है, सब स्नेल को मैं फेंक देता हूँ फिर भी स्नेल आ जाता है कहाँ से पता नहीं। तो वह चलिए पानी पूरा भर लेते, उसके बाद दिखाता हूँ आप लोग क्या हूँ। तो इसको मैं अभी दूंगा क्योंकि ये बहुत दिन पुराना है, तो बहुत सारा बैक्टीरिया इसमें है, तो इसका वजह से मैं इसको ही दूंगा।
पूरा फिनिश कर दूंगा। ओ भाई ये क्या है, ये देखिए एक मौली का बच्चा यहाँ पे रह गया अभी, पता नहीं कैसे मैं इसको पूरा अच्छे से वॉश किया फिर भी ये रह गया। भाई साहब इसका लैग बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं सब लोग। फोकस नहीं प्लेट, ये शॉर्ट टेल का बच्चा है, तो चलिए इसको भी मैं यहाँ पे रिलीज कर देता हूँ। ठीक है तो पानी देना हो गया है, और भी थोड़ा पानी, नया पानी मैं दे दूंगा तो दे देता हूँ उसका, फाइनली बच्चा मौली जो एंजल का बेबी सा उनको रिलीज़ करूँगा। बस देख सकते हो पानी आप लोगों को थोड़ा सा गंदा मतलब ग्रीन ग्रीन लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है मेरे जो एंजल का बेबी से उन लोगों के लिए, तो इसके वजह से मैं ऐसे ही पानी रखूँगा। मेरे को पानी अच्छा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ बच्चे को बचाना है, तो इसके वजह से थोड़ा सा गंदा दिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन वाटर है बहुत ही अच्छा है फिशेज़ के लिए। तो चलिए अभी बेबीज़ जो है उनको ले लेता हूँ। देख सकते भाई लोग कितना सारा बेबीज़, कितना सारा है, तो इनको मैं अभी ले लेता हूँ। बस चलिए अभी इनको मैं धीरे से ले लूँगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही छोटा है, तो ज़्यादा तेज से पानी हिलेगा तो इन लोगों का प्रॉब्लम होगा। तो अभी इसको वाटर टेम्परेचर मैच होने के लिए यहाँ पे रख दूँगा, देख सकते हैं आप लोग। और एक काम है, जो फेनिश ले रही है इसको ऐड करूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ये प्लांट में बहुत अच्छे से ये लोग रह जाएगा, और जो एल्गीस है उनको भी खा लेगा ये लोग, एल्गी खाने से इन लोगों का ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो इसको वजह से मैं यहाँ पे इसको रख दूँगा भैनिस लेडिया को। भैनिस लेडिया ने भी बहुत सारा अंडा दे दिया है स्नेल ने, तो इस अंडे को भी मैं फेंक देता हूँ। आप लोग देखिए, दिखाई देगा कि नहीं, ये देखिए ये ही अंडा, इसके अंदर अंडा है छोटा छोटा, तो इसको मैं फेंक देता हूँ। और प्लांट को भी अच्छे से सेट कर देता हूँ। चलिए अभी आप लोगों के साथ मिलता हूँ मैं करीब 20 मिनट बाद, क्योंकि इनको टाइम देना पड़ेगा, बहुत ही छोटा फिश है, तो इसके वजह से थोड़ा सा नया पानी मैं यहाँ पे धीरे धीरे छोड़ देता हूँ, क्योंकि जल्दी से वाटर टेम्परेचर मैच हो जाए इसके वजह से। चलिए हो गया, देख सकते हैं आप लोग फाइनली कितना अच्छा लग रहा है, उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है लेकिन चल जाएगा। सो गाइस मिलता हूँ 20 मिनट बाद, बने रहना वीडियो पे। सो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ करीब 1 घंटा बाद, बहुत लेट किया, क्योंकि जितना लेट करूँगा उतना अच्छा होगा, वाटर टेम्परेचर मैच हो जाएगा इन लोगों का, इसलिए। तो अभी इनको रिलीज़ करता हूँ, उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बोल देता हूँ मैं, अगर आप लोग चाहते हो कि एंजल फिश का बेबी को आउटडोर सेटअप में ग्रो करना है, तो आप लोग को ऐसा एक कुछ चाहिए टब, यह बोल सकते हो, या फिर आप लोग पास अगर वो होगा जो टब बोलते हैं उसको, और इसको थर्माकोल का बॉक्स बोलते हैं, उससे भी चलेगा, लेकिन आप लोग एक चीज़ करना मस्ट है, ठीक है, वो है कि उसमें एल्गी होना चाहिए। आप लोग देख सकते हो इसमें एल्गी है पूरा, तो आप लोगों को भी ऐसा एक एल्गी वाला टैंक चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एल्गी ना हो क्योंकि उससे मछली मर सकता है, लेकिन एल्गी होना चाहिए। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग लाइव प्लांट दे सकते हो तो बहुत बढ़िया होगा। तो आप लोग और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खाना दो थोड़ा थोड़ा करके, और वो लोग एल्गी ही खाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, एल्गी खा के उन लोगों का ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास अगर लाइफ फूड नहीं है तो फिर आप लोग वो चीज़ कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो फाइटर का ग्रोथ कैसा हुआ है, मैं इन लोगों को कुछ लाइफ फूड नहीं खिलाता हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है लाइफ फूड, कभी कभी मॉस्किटो का लार्वा जो है वो खिला देता हूँ, ये देख सकते हैं, तो इससे ही ग्रोथ इनका इतना अच्छा है। मौली का ब्रीडिंग भी पता है आप लोगों को, कैसे ब्रीड कराता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए अभी इनको रिलीज़ करता हूँ, और मेरे पास जो इम्पोर्टेड गप्पी से आप लोग देख सकते हो, ये देखिए कोई टॉक्सिडो है, वो देखिए, तो कोई टॉक्सिडो, और यहाँ पे है मोजाइक गप्पी, इन लोगों का भी प्रोग्रेस अभी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छे से ये लोग हेल्दी है बहुत ज़्यादा, देख सकते हो इम्पोर्टेड वाला है, तो ढक के रखता हूँ इसको मैं, तो उसका भी ब्रीडिंग का अगर होगा तो अपडेट दूंगा, तो अभी इनको रिलीज़ करते हो गाइस। आप लोग देखिए ये लोग जून में घूमता है, और ये देखिए एक साथ है यहाँ पे चारों साइड में, तो इसको धीरे धीरे मैं अभी रिलीज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है मेरे को। ये देख सकते जा रहा है अभी बच्चे, दो चला गया, यहाँ पे मिनिमम 100 पीस हो जाएगा मेरे को जो लगता है, तो अभी जा रहा है, देखिए आप लोग बहुत ही छोटा बच्चा है, देख सकते सब चला गया, और एक भी नहीं है यहाँ पे, देख लेता हूँ एक बार, हाँ कुछ नहीं है, अभी देखिए ये देखिए सब एक साथ घूमेगा अभी धीरे धीरे, झुंड में रहता है क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो ये लोग एक साथ घूमते हैं और एक कोने में जाके बैठा रहता है। तो आप लोग देखते तो थोड़ा सा पानी गंदा है, लेकिन देख सकते हो कितना अच्छे से ये लोग स्विम कर रहे हैं, ये देखिए। तो इनका भी मैं अपडेट आप लोगों से शेयर करता रहूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि
अभी तो सिर्फ इन लोगों का डे कितना हुआ है, करीब 6 से 7 दिन हो गया मैक्सिमम, ठीक है। आज इनका 6 दिन या 7 दिन होगा अंडे से हैच होने के बाद। तो आप लोगों को तो पहले दिखाई दिया मैं कि एक दिन में कैसा होता है, दो मतलब 4-5 दिन में कैसा कैसे उन लोगों का ग्रोथ होता है। तो अभी देखिए आप लोग, पत्थर के नीचे वो लोग छुप के बैठा है। तो ऐसा ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग अच्छे से सेट हो जाएगा कुछ दिन में। तो इनको फीडिंग भी कराऊंगा मैं, आज फीडिंग नहीं दूंगा, कल से फीडिंग दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एल्गी है तो एल्गी ही खा लेगा ये लोग, ठीक है। तो मैं मिलते हैं और एक वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप लोग को, आप लोग भी चाहते हो कि आप लोगों को फिश को आउटडोर सेटअप में ग्रो करना है, तो आप लोग भी मेरा वाला ये जो तरीका है ये फॉलो कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टाटा गाइस।